News 18, India. उत्तर प्रदेश के बरेली में आज का दिन काफी तनावपूर्ण रहा है। इसकी वजह बने मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा जो हैं, वो IMC के चीफ हैं। IMC मतलब इत्तेदाद ए मिलन काउंसिल, इसके चीफ हैं। उन्होंने आह्वान किया था कि भाई आज बरेली में जो होने वाला है वो है जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन की उन्होंने बात कही। हजारों उनके जो समर्थक है बरेली की सड़कों पर निकल आए। पुलिस के लिए चीजें आज कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। मौलाना तौकीर रजा की बात करें तो इनकी कई सारी मांगे हैं। पहली मांग इनकी ये है कि भाई देश में जो मुसलमान है इनके साथ अन्याय हो रहा है ये ना हो। इनका कहना है कि जो बुलडोजर अत्याचार हो रहा है वो पहले बंद होना चाहिए। हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके भी खिलाफ इन्होंने ये मोर्चा खोल दिया है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि हमारे पास भी अधिकार है, अगर हमारी जान लेने की कोशिश की जाएगी तो हम भी जान लेंगे। इस बयान के बाद से बवाल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मौलाना तौकीर रजा की बात करें तो मौलाना तौकीर रजा का विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा है। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बता दिया था। साथ ही जब हिंदू राष्ट्र की मांग उठी थी सोशल मीडिया पर, तब इन्होंने कहा था कि भाई हम भी मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा के अगर खानदान की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं। आला हजरत के खानदान से आते हैं। इस्लामिक दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। आला हजरत ने इस्लाम धर्म में सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग है जो इसे फॉलो भी करता है। इसी के चलते इन्हें बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संबंध तोड़ने के बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। देवबंदी मुसलमानों से मतभेद के बाद ऐसा किया गया था। उनके दादा अहमद रजा बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे। तौकीर रजा के बड़े भाई सुभान रजा खान दरगाह आला हजरत की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं। मौलाना तौकीर रजा सक्रिय राजनीति में आने वाले इस खानदान के पहले नेता हैं। ये तो है उनके इतिहास की बात। अगर उनके वर्तमान की बात करें तो इस वक्त बरेली में जो माहौल है पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। मौलाना रजा जो हैं उनके समर्थक पर, जितने भी उनके समर्थक हैं, बरेली की सड़कों पर निकले हुए हैं। पुलिस के लिए हालात को काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आज भी हजार से ज़्यादा की संख्या में जब लोग निकल आए तो पुलिस के लिए हालात काबू करना काफ़ी मुश्किल हुए। जेल भरो आंदोलन की बात कही गई थी, तमाम जो युवा थे आज जेल की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने इनको काबू कर लिया और कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं हुई है। अच्छी बात ये रही है, भविष्य में जो माहौल है बहुत हद तक निर्भर करने वाला है मौलाना तौकीर रजा के बयान का। ना सिर्फ बरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के वो बयान देते हैं, अगर उनका बयान कोई ऐसा आता है तो हिंसा भी भड़क सकती है।